उज्जैन जिले में कोरोना से संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिले का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को कोरोना को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने उज्जैन आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां करना भी शुरू कर दी है। सीईओ जिला पंचायत अंकिता धाकरे ने चरक हॉस्पिटल और माधोनगर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान डीपीएम परविंदर बग्गा, उपयंत्री नेहा निर्मल और तकनीकी सहायक नरेंद्र शर्मा साथ थे। उज्जैन जिला कोविड प्रभारी अंकिता धाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरे द्वारा आज ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया है, सभी अच्छे से काम चल रहा है और हमारे यहाँ कोविड को लेकर 450 से अधिक बेड की व्यवस्था चरक अस्पताल में कर रखी है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स फ्लोर पे कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं और हमारे हर इसमें ओवरऑल जो कैपेसिटी है अराउंड 400 to 450 बेड्स की है यहाँ पर कैपेसिटी, इसी का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। यहाँ पर उनका रेगुलर ही इंस्पेक्शन रहेगा एंड जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर ऑक्सीजन प्योरिटी को चेक किया जाएगा एंड सप्लाई जो हो रही है मेन के उसको देखा जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया आपने, विजिट करी है, क्या देखा ऑक्सीजन प्लांट? इसमें मेनली हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट आपकी रनिंग अवस्था में होना चाहिए और इसकी प्योरिटी हम लोग चेक करते हैं, तो दोनों ही आपकी जो प्योरिटी में 93+ होना चाहिए वो है।